बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इन ईच केस यूज़ द इनिशियल कंडीशंस एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू डिटरमिन ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन हमें गिवन है और इनिशियल कंडीशन हर पार्ट में और पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम करना है। तो ये चारों पार्ट्स ऑलरेडी मैंने ओल्ड बुक एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए बी सी डी मिसाल की है, वीडियो यहाँ पे अटैच की है, तो आप लोग वो देख लें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। केस इन ईच केस यूज द इनिशियल कंडीशन एंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू फाइंड ए पार्टिकुलर सॉल्यूशन। नंबर ए, पार्टिकुलर सॉल्यूशन मालूम कर लें। हमें ए गिवन एक्स वाई इज इक्वल टू सी और इनिशियल कंडीशन गिवन है y ऑफ 2 इज इक्वल टू 1। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ। तो इस इनिशियल कंडीशन का मतलब ये है, अगर अगर इधर हम x 2 पुट करें तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी। मतलब पुट x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा x की जगह अगर मैं 2 पुट कर लो, y की जगह अगर मैं 1 पुट कर लो इज इक्वल टू सी। सो दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू 2। पुट सी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो एक्स वाई हमारे साथ आ जाएगा 2, विच इज द पार्टिकुलर सॉल्यूशन। पार्ट नंबर बी है, वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस सी। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज जनरल सॉल्यूशन। और इनिशियल कंडीशन हमें गिवन है वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2। वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, तो वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 2 का मतलब ये है कि पुट एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा y की जगह अगर मैं 2 फुट कर लो इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 है और नेचुरल लॉग ऑफ 1 प्लस सी। तो 2 और 1 इस साइड पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 लॉग ऑफ 1 हमारे साथ 0 के बराबर है प्लस सी, तो इसका मतलब है कि c हमारे साथ 1 है। तो पुट c इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो y की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी x माइनस एक्स नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी प्लस 1 आ जाएगा। तो पार्ट नंबर b हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर c है, साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी। साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू सी, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और इनिशियल कंडीशन है y ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1। y ऑफ 5/4 इज इक्वल टू 1, सो पुट x इज इक्वल टू 5/4 एंड y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा साइन x की जगह मैं 5/4 पुट करता हूँ और y की जगह 1 अगर हम पुट करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन बाई 4 प्लस y की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू सी, सो c इज इक्वल टू 1 प्लस साइन पाई बाई 4 की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2। अगर अंडर द रूट 2 एलसीएम आ जाए तो ये हमारे साथ बन जाएगा अंडर द रूट 2 प्लस 1। पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा साइन एक्स वाई प्लस वाई इज इक्वल टू अंडर द रूट 2 प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर द रूट 2, विच इज़ पार्टिकुलर सोल्यूशन। और पार्ट नंबर डी हमारे साथ है, वाई स्क्वेयर डिवाइड बाय एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाय 2 प्लस सी और वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। और वाई ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, फुट एक्स इज इक्वल टू 1 वाई इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो मेरे साथ बन जाएगा 1 स्क्वेयर, मतलब 1 डिवाइड बाय 1 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 2, 1 स्क्वेयर से 1 आता है प्लस सी, तो ये 1 है, 1 बाय 2 इस साइड पे माइनस 1 बाय 2 हो जाएगा सी।
सो दिस इम्प्लाइज दैट सी इज इक्वल टू वन बाई टू. ठीक है, पुट एन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो ये मेरे साथ बन जाएगा वाई स्क्वेयर बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर बाई टू प्लस वन वन टू. ठीक है, इसका हम फर्दर भी सॉल्व कर सकते हैं और यहाँ तक भी पार्टिकुलर सोल्यूशन मालूम हो गया, पार्टिकुलर सोल्यूशन. ठीक है, तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया. ठीक है, अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये टू और एक्स ख़त्म करने के लिए मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई टू एक्स, तो ये मेरे साथ बन जाएगा टू टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, टू वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस एक्स. तो पार्ट नंबर डी हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फोर कंप्लीट हो गया.